नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल होम प्रोडक्ट गुरु यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपको पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि मैं सर्फ साबुन, नहाने वाला साबुन, कपड़े धोने वाला साबुन, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, फरनाइल, इजी हैंड वॉश, डिश वॉश, ऐसा मैं बहुत कुछ ऐसा चीज़ मैं बताऊंगा जिससे आप फायदा कमा सकते हैं। आजकल नौकरी तो मिलता नहीं है, तो आप नौकरी अगर करते भी तो उसके साथ साथ ये भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आप खुद बनाइए, मैं तो बोलूँगा कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का लोड नहीं है। आप खुद बनाइए, खुद दो चार लड़का रखिए और सेल कराइए, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मैं जो भी चीज़ मैं बताऊंगा प्योर 100% ओरिजिनल बेस बताऊंगा, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, बाजार में बेचने के लिए भी कोई तकलीफ ना हो। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये छोटा सा मैं भी एक कमरे में सामान बनाता हूँ और मैं खुद ही बेचता हूँ और मैं अच्छा खासा पैसा भी कमाता हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं कितना सारा सामान बना बना के रखा हूँ। आप थोड़ा कैमरा नीचे करेंगे, आ देखिए, यहाँ सर्फ बनाया हूँ, ये सारे डब्बे में सामान बना बना के भर के रखा हूँ, ये बोतलों में भर के बेचता हूँ, ये सारे सामान मेरा बनाया हुआ है अपना। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं दूसरे का, हर किसी का भला सोचता हूँ और हर किसी का भला करना चाहिए, ये मेरी खूनों में है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरा जितने भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सीधा जाए, आप देखें और उसका फायदा उठाएं। तो मैं आपसे, अब से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सीधे अपने काम पे चलते हैं। और मैं आज बनाऊँगा इजी सर्फ, जो गर्म कपड़े धोया जाता है, नया कपड़ा धोया जाता है। बाजार में समझिए कि इजी जो है कम से कम 250-300 लीटर पर लीटर बेचता है कंपनी, आप समझिए वो कितना मुनाफा कमाता है। मैं आपको इजी बताऊंगा सेम वही क्वालिटी का, जैसे गर्म कपड़ा धोया जाए, सेम एक ही चीज होगा, वही चीज होगा, 1% का भी इधर उधर नहीं होगा। और 30 या 35 रुपये पर लीटर आप बना सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब अपना मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कौन कौन सा सामान लगेगा इसमें। फर्स्ट नंबर है SLES, SLES इस डब्बे में है, इसमें निकाल कर रखा हूँ। फ्रेग्रेंस, सेंट, नमक, सोडा आस जो पाउडर फॉर्म में होता है सफ़ेद, और पानी। तो हम शुरू करते हैं, पहले पानी में सोडा आस डालेंगे। सोडा आस डाल के इसको अच्छी तरह हम मिलाएंगे, आपको मिलाऊंगा, थोड़ा मिल जाता है जल्दी। पहले पानी डाल के आप सोडा आस मिलाइए, मिल जाएगा, देखते हैं। अब अच्छी तरह मिल गया है, बिल्कुल अच्छी तरह मिल गया है। अब इसमें हम लोग SLES डालेंगे, SLES, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। और इसको फिर अच्छी तरह हम मिलाएंगे,
एसएलएस का काम होता है फोम बूस्टर, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा झाग बनाएगा और कपड़े का थोड़ा बहुत सफाई भी करता है। मेन सफाई करता है आपका सोडा आस, सोडा आस है वो सफाई अच्छा करता है। सोडा होता है तो कपड़े के लिए होता है, उससे सफाई करता है। और जो एस एल एस है, SLES, वो फोम बूस्टर करता है, झाग बनाता है। चलिए अच्छी तरह मिल गया है अपना। आ देखिए बिल्कुल पानी जैसा है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा सेंट पाएंगे, सेंट आपको दिखा दूं, ये सेंट इसको पा के थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। आ रही जितना चाहेंगे उतना डाल सकते हैं, जितना आपको सेंट चाहिए अपने अनुसार है। और आप इसमें हल्का सा येलो कलर थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी डालना है, हल्का सा मामूली सा येलो कलर डालना है। कलर थोड़ी से डाल देंगे तो अच्छा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और मैं ऐसा इजी बनाऊंगा कि इस पार से उस पार दिखेगा। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये बिल्कुल पानी जैसा है। आप सोचते होंगे बिल्कुल पानी जैसा, नहीं, इसको गाढ़ा करेंगे। और गाढ़ा करने के लिए, इसके लिए आपको नमक यूज करना है। नमक देखिए अपने हिसाब से नमक डालना है। मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देता हूँ और उस हिसाब से मैं इसमें डालूँगा थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए थोड़ा सा डाल दिया हूँ। अब इसको अच्छी तरह हम चलाएंगे। इतना अच्छा चलाएंगे कि नमक बढ़िया से घुल जाए इसमें। जितना अच्छा चलाएंगे उतना गाढ़ा होता जाएगा, जितना अच्छा चलाएंगे उतना गाढ़ा होता जाएगा आपका इजी। आप चलाते जाइए, थोड़ा देर आपको चलाना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। हर वीडियो आपको मैं डाल के बताऊंगा, अपना खुद बिजनेस चालू करें और 100% ओरिजिनल। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा और गाढ़ा आपको चाहिए तो थोड़ा सा नमक और पा देंगे, हल्का सा। दोस्तों ध्यान रखें कि आप अगर थोड़ा भी ज़्यादा नमक पा दिए हिसाब से, तो आपका जितना गाढ़ा हुआ है उतना ही पतला, जितना पतला था पहले उतना ही पतला हो जाएगा। इसलिए आप नमक अपने हिसाब से डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, गाढ़ा करते जाएं। जब अपने लिमिट से गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद नमक ना डालें, क्योंकि उसके बाद अगर नमक डालेंगे तो समझ जाइए कि वो आपका गाढ़ा नहीं और पतला होने लग जाएगा। तभी दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़िया बनाने के लिए हिसाब से नमक डालें। ये देखिए कितना गाढ़ा बन गया, आप देख सकते हैं। मैं कोई थिकनेस नहीं डाला हूँ इसमें गाढ़ा करने के लिए, कोई चीज़, सिर्फ नमक यूज किया हूँ इसलिए। और इसमें आप ये बिल्कुल सफ़ेद है, हल्का आप येलो कर सकते हैं, पीला कलर जिसको बोलते हैं, आप एक दाना पीला कलर का डाल दीजिए। ये हल्का मामूली सा एकदम पीला होना चाहिए, ज़्यादा पीला हो गया तो हर कोई सोचेगा कि ये इजी नहीं है। इजी एकदम हल्का पीला येलो होता है, हल्का मामूली, दिखने में थोड़ा सा लगे, देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। आप ये यूज कर सकते हैं कहीं भी, उतना ही झाग बनाएगा। आपको मैं दिखा दूं कि झाग कैसे बनाया जाता है। मैं एक ग्लास में पानी लाता हूँ, देखिए पानी लेके आया मैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालता हूँ, थोड़ा सा, मैं बिल्कुल मामूली से आप देख सकते हैं,
डाल दिया। अब इसको चलाऊंगा। तो सही चलता नहीं है।